कहना पापा 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 कर पापा आई पापा बोला पापा बोला पापा बल 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 बाय 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 कर दो बाय पापा पापा बोल 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 पापा बोल ओ जाओ इधर जाओ। सो गाइस हल्ला नहीं। सो गाइस ऋत्विक का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, पूरा सर्दी खांसी बुखार 5-6 दिन से, बट इसका अभी तक ठीक नहीं हुआ है गाइस। अभी अपना गांव का ही डॉक्टर को दिखाए हैं, मतलब जो हम लोग का गांव है वहीं पे, तो यहाँ पे बच्चा का अच्छा डॉक्टर नहीं है, सो नहीं ठीक हो रहा है, तो आज को इसको बाहर लेके जाने वाला है। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ा सा ठीक है बट बहुत परेशान करता है, नाक दोनों इसका जाम हो चुका है ऋत्विक बेटा, और इसलिए हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाए हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको ही का तबीयत खराब, मेरा भी सर्दी खांसी। आ जाओ वीडियो वीडियो पापा 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 बोल पापा आओ, मेरा तबीयत खराब है, आओ बोलो 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 बोलाओ। अभी खेल रहा है पापा, बोले पापा पापा बाबू बाबू, ऋत्विक बाबू भी बोलता है, बाबू बोलो तो बेटा। सो गाइस बहुत ही सैड फील हो रहा है, एक तो आरएस घर पे नहीं है कि बेटा, ऊपर से ऋत्विक का मेरा सब कोई का तबीयत खराब है, इसीलिए हम वीडियो नहीं बनाए थे। सो आरएस का तो वीडियो देख ही रहे थे, परसों पोस्ट किया था, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, बट अच्छा नहीं लग रहा है गाइस अकेले वीडियो बनाने में, तबीयत खराब है। सो हम चाहते हैं कि आरएस वापस आ जाए प्लीज, आप लोग उनको बोलो एंड मैसेज करो, बहुत मिस कर रहे हैं, है ना ऋत्विक? बाबू का तबीयत खराब है, प्लीज घर आ जाओ। देख सकते हो गाइस इसका नाक जाम हो गया है। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग कमेंट करोगे क्या क्या, बट ये साफ करने नहीं दे रहा है क्योंकि सूख गया है तो लगता है। ओ बेटा तो यहाँ हम लोग का गांव में मेला भी लगा है, तो पीसी मालो गई थी एक दिन, तो ऋत्विक के लिए ये ला दी है। और आप लोग बहुत कोई कमेंट कर रहे हो कि तो कोई गमी नहीं है या फिर ऐसे वगैरह, तो मैं बता दे रही हूँ, अगर हम रोने धोने वाला वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करते हो ये लोग कुछ भी कर सकता है व्यू के लिए पैसा के लिए, इसीलिए हम सैड वीडियो नहीं बना रहे थे, हैप्पी हैप्पी वीडियो बना रहे थे, बट 2-3 अंदाज से तो मिस कर रहे थे, बट आप लोगों के सामने वो हम नहीं दिखा रहे थे गाइस कि हम रो रहे हैं अंदर से ये वो। आज भी हम रोएंगे नहीं, बट बस हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर आ जाओ प्लीज, बाबू का तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बोल आ पापा, पापा बोले नहीं पापा पापा। और आप लोग बोलते हो आप लोगों को आप लोग व्यू के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हो कंटेंट वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि हम लोग के पास कंटेंट ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कंटेंट है। अभी हम लोग का गांव में इतना बड़ा मेला लगा है, शादी है, तो हम लोग ये सब ब्लॉग बना सकते थे, बट आरएस गुस्सा होके चल गया है, तो क्या कर सकते हैं। और अभी पापा जी आरएस से बात किए थे, अच्छा से बात किए हैं, फ़ोन में समझाए हैं, फिर भी उसका गुस्सा नहीं शांत हो रहा, तो उसको बोला गया है कि आगे घर कंप्लीट कर लेते हैं फिर गाड़ी लेंगे। सो आप
प्लीज आ जाओ घर, यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। और अच्छा से ब्लॉग भी बनाएंगे, ऐसे हमको अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। बाबू का तो हद से ज़्यादा तबीयत खराब है, खांसी है, सर्दी है, और आर्यन तो भी किस हालत में है इतना ठंडा में हमको नहीं पता। हम लोग का घर के अंदर तबीयत खराब हो जा रहा है, वो कहाँ ना कहाँ है। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर आ जाओ अब, जहाँ कहीं पर भी हो। इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं है, बस घर आ जाओ, टाइम के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा, गाड़ी घर है ना। आज हो गया है गाइस 19 तारीख, 22 तारीख को ऋत्विक हो जाएगा 11 मंथ का, और 22 दिसंबर को इसका बर्थडे है। तो पता नहीं बर्थडे का तो हमको कुछ नहीं पता है। तो मिस यू आरएस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऋत्विक भी मिस कर रहा है ना बेटा। बोले मेरा तबीयत खराब है, आ जाओ, आरएस को बोलो हम याद नहीं आते हैं क्या आपको, बोल दो तो। बाय, पापा बोल दो, पापा पापा करो करो कौन पूरा कफ हो गया है गाइस, खांसी सर्दी। ओ बेटा अभी तो थोड़ा कम है, रात में ये सोता ही नहीं है, इसका दोनों नाक जाम हो जाता है। क्या बेटा, और जो जो रॉन्ग कमेंट्स करते हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम बोले थे कि आरएस से रिलेटेड हम अब कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, सैड वीडियो नहीं बनाएंगे, तो ये लास्ट हम और बना रहे हैं कि आरएस प्लीज़ घर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। सो अभी हम और क्या बोलेंगे आप लोगों को, आज पीसी माँ भी चल गई है, घर पूरा खाली खाली है, पीसी माँ भी समझाई है, तो देखते हैं क्या होता है। और आरएस को एक बार कॉल भी करेंगे आप लोगों के बीच में, उठाता नहीं है कॉल, इसलिए करने का मन नहीं करता है उनको, है ना बेटा। क्या खा रहा, बोला पापा पापा बाय ऋत्विक, बाय सर, बाय बाय बाय, बोल पापा आ जाओ घर, मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये ऋत्विक को मेला से ला दिया है, हम लोग का गांव में मेला लगा हुआ है। बोरिंग बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और गाइस हम जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं, जिस ससुराल में पति नहीं उस ससुराल में रहने का मन भी नहीं होता है, पति के बिना ससुराल होता ही नहीं है। बट मेरा सास ससुर हमको इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। आरएस जो चल गया है हमको कमी महसूस नहीं होने दिया है कि ये नहीं है आरएस। मम्मी को भी बुरा लग रहा है, बट दूसरी कोई होती, हम तो अपना सासू माँ को बहुत अच्छा बोलते हैं, दूसरी सासू माँ होती तो बोलती मेरा बेटा ही जब घर में नहीं है तो तुम लोग को हम क्यों रखेंगे। बट हम लोग को बहुत प्यार से रखती है हमको, ऋत्विक को, और कभी कुछ बोलती नहीं है कि ये वो। कभी कुछ झगड़ा भी होता है तो आरएस का ही दोस्त देता है मम्मी, हम लोग का दोस्त नहीं। और गाइस कुछ और जाते जाते एक बात बोल रहे हैं हम लोग की, गांव में जो है ना 3-4 चुड़ैल है, चुड़ैल मतलब समझ सकते हो ना, लड़की है वो लोग चुड़ैल, उसका नाम हम लोग चुड़ैल रखे हैं, मेरी फ्रेंड और हम, खुशी और हम, उस लड़की लोग का नाम चुड़ैल रखे हैं, क्योंकि जलते रहती है और बिना मतलब का बुराई करते रहती है। तो हिम्मत है तो मुंह के सामने आके करो, पीठ पीछे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पीठ पीछे बोल रही है तुम लोग और खुद ही तुम ही लोग सुन रही है। अगर एक बाप की बेटी है तो मेरा मुंह में आके बोलो। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा मेरा बुराई करती है पीठ पीछे, इतना ही तुम लोग का औकात है तो मेरा मुंह में आके बोलो, तब जानेंगे हाँ तुम लोग असली है। पीठ पीछे तो भोंकने वाला बहुत कुत्ता है ना बेटा, बल पीठ पीछे भोंकने वाला बहुत कुत्ता है, भोंकते रहता है, हिम्मत है। अगर क्या बोलेंगे, एक बाप की औलाद हो ना
तो मुंह में आके बोलो, है ना बेटा। पीठ पीछे जो मेरा पीठ पीछे बुराई करता है वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना ही हिम्मत है तो मेरा मुंह क्या मुंह में आके बोलो क्या बोलना चाहते हो। सबसे पहला बात तो हमसे जलती है बहुत ज्यादा, जलखोर सब, तो जलते रहो, जल जल के भस्म हो जाओ। गाड़ी का पीछे लिखा हुआ रहता है जलो मगर दीपक की तरह, दीपक का तरह जल के भस्म हो जाओ। ओके, चुड़ैल सब है गांव की, चुड़ैल हम लोग का गांव में बहुत सारा चुड़ैल है, भूतनी सब। तो गाइस हमको गुस्सा आ गया था, हमको कोई बोली थी कि ऐसा ऐसा बोलती है तेरा बारे में गंदा गंदा वर्ड, तो वही बोल रहे हिम्मत है ना तो मुंह का सामने आके बोलो। और सबसे खत्म होता है गांव का लड़की लड़का अपना ही गांव का ज्यादा बुराई करता है, कुछ कर नहीं सकती है, मेरा बराबरी नहीं कर सकती है तो क्या करेगी, बिना मतलब का बुराई करती है, अफवाह फैलाती है। तो हिम्मत है ना, इतना ही तुम लोग का साहस है तो मेरा मुंह में आके बोलना, ठीक ना। पीठ पीछे बोल के कोई फायदा नहीं है, तो हिम्मत जुटाना और मेरा मुंह में आके बोलना। तो गाइस किसी को अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, हम ये आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए नहीं बोले हैं, जो मेरी गांव की है ना उन लोग को लिए बोले हैं, मेरी गांव की लड़की, मेरी अपनी जात, केवट केवट को हम बोल रहे हैं, केवट है ना, तो वही लोग जलती है हमसे बहुत ज्यादा। सो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, मिस यू आरएस, आ जाओ जल्दी से घर, रिक्वेस्ट है आपसे। और हम रो के नहीं दिखाएंगे, हम रात में रोए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरा आँख फुला हुआ है, तो अधिकतर रात में ज़्यादा याद आता है। सो गाइस टाटा, आप लोग भी आरएस, और हम ये जो बोले हैं ये ओनली हमको बहुत गुस्सा दिलाई थी इसीलिए बोले हैं, और ऐसा नहीं है गाइस कि इतना अच्छा बन के रहो, आपके साथ जो जैसा करता है उसके उसको ऐसा ही वैसा ही बोलना चाहिए। आप लोग जो अच्छे कमेंट करते हो उसको अच्छे बोलेंगे, जो बुरे कमेंट करते हो उसको बुरे बोलेंगे, सिंपल सी बात है। सो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा।